हेलो गाइस, टेक बॉस में आपका एक बार फिर से स्वागत है और उम्मीद करते हैं आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं वन प्लस के बारे में। फाइनली वन प्लस ने भी अपना वन प्लस 10 प्रो इंडिया में लॉन्च कर दिया और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और आज हमने अपनी वीडियो का टारगेट रखा है 100 लाइक्स का और उम्मीद है आप ज़रूर कर देंगे। चलिए फटाफट शुरू करते हैं और आइए जानते हैं इसके अंदर हमें क्या खास स्पेसिफिकेशन मिलने वाले हैं और इसकी क्या खास प्राइसिंग रहने वाली है। इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.7 इंच की फुल एचडी प्लस फ्लूइड एमोलेड स्क्रीन होने वाली है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी होने वाला है। अगर इसकी आउटडोर विजिबिलिटी की बात करें तो इसमें 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस रहने वाली है, यानी इस फ़ोन की जो डिस्प्ले है वो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसका जो बैक है वो ग्लास का होने वाला है और इसका जो फ्रेम है वो मेटल का होने वाला है। इसकी डिस्प्ले के ऊपर कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस का सपोर्ट होने वाला है। अगर इसके कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का होने वाला है, 8 मेगापिक्सल का इसमें टेलीफोटो कैमरा होने वाला है और 50 मेगापिक्सल का इसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा होने वाला है। यानी इस फोन का कैमरा काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। इसके कैमरे से आप काफ़ी अच्छी फोटो शूट कर सकते हैं। इसके रियर कैमरे में आप काफ़ी सारे मोड्स देखने को मिलते हैं। इसके रियर कैमरे से आप 8K वीडियो 24 FPS तक शूट कर सकते हैं, 4K वीडियो आप 30, 60, 120 FPS तक शूट कर सकते हैं और फुल HD वीडियो आप 30, 60, 240 FPS तक शूट कर सकते हैं। और इससे आप स्लो मोशन वीडियो फुल HD वीडियो 240 FPS तक शूट कर सकते हैं और HD वीडियो आप 480 FPS तक शूट कर सकते हैं। अगर इसके सेल्फी कैमरे की बात करें तो इसमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होने वाला है। इसके फ्रंट कैमरे से आप फुल HD वीडियो 30 FPS तक शूट कर सकते हैं। अगर इसके चिपसेट की बात करें तो इसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 चिपसेट होने वाला है, जो कि स्नैपड्रैगन की तरफ से अब तक का सबसे ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर होने वाला और अब तक का सबसे लेटेस्ट चिपसेट होने वाला है। इसके अंदर LPDDR5X रैम, UFS 3.1 का स्टोरेज भी होने वाला है। यानी इस फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है, आप इसमें काफ़ी अच्छी गेमिंग भी कर पाएंगे। इसके अंदर आपको डुअल सिम कार्ड का सपोर्ट मिलता है, इसमें आपको SD कार्ड का ऑप्शन नहीं मिलता है। इसके अंदर आपको कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट भी मिलता है। इसमें 5000 mAh की बिग बैटरी और 80 वाट की वायर चार्जिंग का सपोर्ट होने वाला है और कंपनी का ऐसा भी कहना है कि ये इस चार्जर से 32 मिनट के अंदर 100% फुल चार्ज हो जाएगा। इसके अंदर आपको 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। अगर इसकी सिक्योरिटी सिस्टम की बात करें तो इसमें इन डिस्प्ले फिंगर स्कैनर का सपोर्ट होने वाला है। अगर इसकी ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट होने वाला है, यानी इस फोन की जो ऑडियो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। इसके अंदर NFC का सपोर्ट भी होने वाला है। इसके अंदर IP68 की रेटिंग भी होने वाली है, जिससे ये फ़ोन पानी और धूल से काफ़ी तक सेफ रह सकता है। अगर इसकी हैप्टिक फीडबैक की बात करें तो इसमें एक्स एक्सिस लीनियर मोटर का सपोर्ट होने वाला है, यानी इस फोन के हैप्टिक फीडबैक भी काफी जबरदस्त होने वाली है। इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें कलर OS 12 विद एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स होने वाला है। अगर इसकी थिकनेस की बात करें तो जो इसकी थिकनेस है वो 8.55 mm के आसपास होने वाली है और 200 ग्राम के आसपास इसका वेट होने वाला है, यानी फ़ोन थोड़ा सा बल्की हो सकता है। इसके अंदर आपको बैक ग्लास देखने को मिलता है, मेटल का फ्रेम देखने को मिलता है, इसलिए इसका जो वेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। इसके अंदर आपको 2 कलर वेरिएंट देखने को मिलते हैं। अगर फाइनल इसकी प्राइस की बात करें तो इसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, 8 GB 128 GB जिसका प्राइस 66,999 रुपये रखा गया है और इसका जो दूसरा वेरिएंट है 12 GB 256 GB जिसका प्राइस 71,999 रुपये रखा गया है। इसकी जो फर्स्ट सेल है वो 5 अप्रैल को अमेजोन पर होने वाली है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसके बॉक्स में हमें क्या कंटेंट देखने को मिलने वाला है एक बार वो भी देख लेते हैं। फ़ोन 80 वाट सुपर वुक पावर अडाप्टर, टाइप सी केबल, क्विक स्टार्ट गाइड, वेलकम लेटर, सेफ्टी इन्फॉर्मेशन एंड वारंटी कार्ड, स्क्रीन प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टिव केस, सिम ट्रे इजेक्टर। आपको इस फ़ोन की प्राइसिंग कैसी लगी और इसके स्पेक्स कैसे लगे और हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जल्द मिलते हैं आपसे अपने अगली नई वीडियो के साथ, जब तक आप अपना ख्याल रखें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।